हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हाल ही में झज्जर की जनसरोकार रैली के लिए जुलाना के विधायक की ओर से अपने समर्थकों को रैली में खा पी कर आने के वीडियो वायरल होने के बाद रजपा विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इस मामले में बादली हलके के कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने कहा कि विधायक के बयान से ये साबित हो गया है कि रजपा इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए साम दाम दंड और भेद वाले फार्मूले पर चल रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि हरियाणा की जनता के बीच रजपा अपना विश्वास खो चुकी है। उन्होंने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि रजपा ने विधानसभा चुनावों में वोट भाजपा के खिलाफ मांगा था, लेकिन सत्ता के लालच में रजपा ने उसी भाजपा से हाथ मिला लिया। डॉक्टर कुलदीप वत्स ने कहा कि रजपा के नेताओं को ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जनता है, सब जानती है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल को काला इतिहास बताने वाले बयान पर विधायक कुलदीप वत्स ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हुड्डा साहब पर आरोप लगाने से पहले दुष्यंत को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता ने भाजपा और रजपा के राज का काला अध्याय देखा है। झज्जर से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। कि हुड्डा का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा, तुम्हारे से सर्टिफिकेट लेने की हमें जरूरत नहीं। जहाँ तक ये जरूर है कि जो जिप जैसे तू बीजेपी में शामिल होकर 2 साल का जो तुमने राज किया है और 5 साल बीजेपी का पहले रहा, ये 2 साल के अंदर जितना काला दिन इस हरियाणा के लिए आप लोगों ने लेके आए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक हरियाणा वासियों के लिए, जो 2 साल का समय है, खासकर 5 साल से पहले 2 साल का जो समय रहा, उसमें सबसे बड़ा अध्याय, काला अध्याय ये लिखा जाएगा चौटाला फैमिली पे और दुष्यंत चौटाला के नाम, कि तुमने इस प्रदेश के साथ कितने काले किए, कितना बुरा किया, किसानों के साथ कितना किया, कहीं जमुना पार भेज रहे थे, कहीं फिर यार बन के बैठ गए, लोगों की वोटों को बेचने का काम किया, ये लोग सब जानते हैं किसने क्या किया। रही हुड्डा साहब की बात, आप कह रहे थे ललकारण की रैली करने का, सब कहा था, हम स्वागत करते हैं, आपने बादली में रैली की, अच्छी बात है, करनी चाहिए। हम ऐसी ऊंचा कहते हैं कि हम घमंड अहंकार की बात नहीं करते। हाँ, हम आपको, आप रैली कर लीजिए, फिर आपको रैली हम दिखाएंगे कि जनता की रैली और आम जनता की रैली क्या होती है। 12 दिसंबर की रैली के लिए आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, 12 दिसंबर की हमारी जयपुर में रैली होगी, पहले दिल्ली में रैली थी, अब वो जयपुर में होगी, और जयपुर में भी हमारी ये रिकॉर्ड तोड़े की रैली होगी, आदमी सोनिया गांधी जी और राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में, हमारे शीर्ष नेताओं के बीच में बहुत बड़ी रैली है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।